हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। ये बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी इसे इजीली क्रिएट कर सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी प्राइमर से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है NYB का प्राइमर। ये ऑरेंज कलर में आता है, ये आपके स्किन को अच्छे से प्राइम करता है, साथ ही साथ ये कलर करेक्टर का भी काम करता है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे इनसाइट का फाउंडेशन। इसे मैं इस तरीके से हाथ के ऊपर लेके इसे अच्छे से वॉर्म करूँगी। उसके बाद अपने फेस पे डॉट डॉट करके इसे पूरे फेस पे लगाऊँगी। इसे अच्छे से डॉट डॉट करके मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी और अपने नेक पे ज़रूर लगाऊंगी। मैंने आपको अगले वीडियो पे भी कहा था कि अपने नेक को अवॉइड ना करें और वहाँ पे भी अच्छे से फाउंडेशन को लगाएं। अब मैं ले रही हूँ एक ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से मैं पूरे फेस पे डैब डैब करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को। याद रखें कि आपको अच्छे से डैब डैब करके ही ब्लेंड करना है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर और इसे अपने अंडर आइज पे, आईलिड्स पे, फोरहेड पे और ब्रिज ऑफ द नोज और क्यूपिड्स बो, साथ ही साथ चिन। और ये मैंने यहाँ पे कॉन्टोर मैं करूँगी, तो इसके नीचे इस तरीके से मैं अच्छे से कंसीलर लगा दूँगी और इसे अच्छे से अब इन सबको ब्लेंड कर दूँगी। साथ में ब्लेंड करने का तरीका आप जानते हैं, डैब डैब करके अच्छे से हल्के हाथ से ब्लेंड करें। और ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप अच्छा होगा कि थोड़ा टाइम लेके अच्छे से ब्लेंड करें, क्योंकि ब्लेंडिंग आप अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो केकी हो जाएगा पूरा फाउंडेशन या कंसीलर जो भी है, और फेस बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर ब्लेंडिंग मैंने बहुत ही अच्छा से किया है, तो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि मेरा बेस जो है बहुत ही फ्लॉलेस दिख रहा होगा आपको। तो मैं दोनों तरफ अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर ली। अब इसके बाद मैं करूँगी फेस को पैक लूज़ पाउडर से। ये इनसाइट का लूज़ पाउडर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर किया था वहाँ वहाँ मैं पैक कर दे रही हूँ इसे। देखिए यहाँ पे फेस के यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी कॉन्टोर। ये मैं ब्लश ब्रश ली हूँ और इसी से मैं लगाऊंगी कॉन्टोर। कॉन्टोर को भी अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, साथ ही साथ मैं ये यहाँ जॉ लाइन में भी कॉन्टोर कर रही हूँ और थोड़ा सा फोरहेड पे। और अब मैं करूँगी नोज़ कॉन्टोरिंग। तो इसके लिए मैंने एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से मैं कर दूँगी अपने नोज़ को अच्छे से कॉन्टोर। इसके बाद मैं एक फ्लफी ब्रश लेके अपने फेस पे जो एक्सेस पाउडर था उसे रिमूव कर दूँगी, जो मैंने लूज़ पाउडर लगाया था उसे। अब मैं लगाऊँगी ब्लश। ये मेबलिन का ब्लश है, बहुत ही अच्छा पिंक कलर है, और इससे मैं लगा लूँगी ब्लश को। ब्लश लगाना मुझे बहुत पसंद है। अब ब्लश लगाने का तरीका तो आप जानते हैं, स्माइल करें और ब्लश करें। तो इसके बाद मैं इस पे नोज़ और थोड़ा सा चिन पे भी लगा लूँगी। इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे हाइलाइटर, जहाँ जो मेरे हाइस्ट पॉइंट है उस वहाँ पर मैं अच्छे से हाइलाइटर को लगा लूँगी। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट, जो मेरे पास बहुत ही दिनों से है और इसे मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बट ये है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और ये आईब्रोज़ को इतना नेचुरली फील करता है कि आपको लगेगा कि नेचुरली मेरे आईब्रोज़ इतने अच्छे और डार्क हैं। डार्क भी नहीं है, ये एक्चुअली ब्राउन शेड में हैं। तो बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट देता है जब इससे आप आईब्रोज़ फिल करते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसे ले सकते हैं, मेरे कहने पे बहुत ही प्यारा आईब्रो पैलेट है ये। तो मैंने दोनों आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लिया है। और अब मैं लूँगी ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट, इसमें से मैं ये ट्रांजेक्शन शेड लेकर अपने क्रीज पे इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। क्रीज को अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि क्रीज अगर ब्लेंड अच्छे से हो तो वो इफ़ेक्ट
आइज़ का जो है वो बहुत ही अच्छे से आता है, डिफरेंस आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने ड्रेस से मैच किया हुआ एक कलर लूँगी और इसे मैं आउटर वी पे लगाऊँगी। पहले इसे मैं डैब डैब करके इस कलर को प्लेस करूँगी, उसके बाद मैं इसे इस तरीके से ब्लेंड करूँगी। पहले इसे प्लेस करना है और उसके बाद अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। उसके बाद एक सिल्वर कलर जो मेरे ड्रेस के साथ अगेन मैच हो रहा है, तो इसे मैं लेके अपने आईलिड्स पे लगा लूँगी। और देखिए, उसके बाद जो ये पिंक कलर है, डार्क पिंक कलर है, वो थोड़ा सा फेड हो गया था, तो इसे मैं फिर से इसके ऊपर फिर से पिंक कलर लेके इसे अच्छे से लगा लूँगी और साथ ही साथ सबको एक साथ ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ मेबेलिन का काजल। काजल को मैं एज अ एक हल्का सा विंग आईलाइनर टाइप में ड्रॉ करूँगी। देखिए, इस तरीके से पतला विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी थोड़े से विंग के साथ। और इसके बाद मैं एक स्मजर ब्रश लेके इसे अच्छे से स्मज कर दूँगी काजल को। स्मज के बाद देखिए आई लुक कितना अच्छा हो गया है। अब इसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन कलर लेके अपने लोअर लैश में इसे लगा लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। मैं लूँगी मेबेलिन के काजल को और अपने अपर वाटर लाइन जो है उससे मैं लगा लूँगी अच्छे से। अब मैं दूसरे आइस पे भी इसी तरीके से कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। ये हो गया मेरा दोनों आइस डन। और अब मैं लगाऊँगी मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये मेरा बहुत ही फेवरेट मस्कारा है। ये बहुत ही सुंदर लेंथ और वॉल्यूम देता है आपके आईलैश को, तो आप अगर बिगनर हैं तो इसे ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत ही अफोर्डेबल है और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल है। और अब मैं अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर रही हूँ, इससे आपकी आंखें बहुत ही बड़ी दिखती हैं। और अब मैं अपने मेकअप को लॉक कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे से। और स्प्रे करने के बाद मैं इसे डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी सबको एक साथ। और इसके ऊपर से फिर से मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि मेकअप करने के बाद जब हम स्प्रे करते हैं तो उसके बाद और एक बार हाइलाइटर लगा लेने से वो पूरा फिक्स हो जाता है। तो अब मैं कर रही हूँ अपने लिप्स को लाइन ये ब्राउन शेड से। और ये है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, जो बहुत ही अफोर्डेबल है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और अब मैं अपना फेवरेट न्यूड शेड लगा लूँगी। और आप इस लुक के साथ फॉल्सेस भी लगा सकते हैं, इससे आपका मेकअप और भी सुंदर लगेगा। और अब मैं बना लूँगी एक छोटा सा बन, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने मिडिल पार्ट करके और एक छोटा सा बन बना लिया है। और अब मैं पहन लूँगी ईयर रिंग्स, ये बड़े बड़े झुमके हैं मेरे पास, तो इसे मैं पहन लेती हूँ। ये इस ड्रेस के साथ बहुत ही सुंदर से मैच हो जाएगा। तो इसे पहनने के बाद मैं पहनूँगी एक चोकर। मैंने चोकर बिल्कुल सिंपल पहना है क्योंकि मेरे ईयर रिंग्स इतने बड़े हैं इसीलिए। और मैं पहन रही हूँ इसके साथ नोज़ रिंग पहनना मुझे बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ मैंने ले लिया है यहाँ दुपट्टा। और दुपट्टा को सेट करने के बाद मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ बिंदी। आप चाहे तो बिंदी के बिना भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।